गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, बढ़िया हो सारे अपने अपने घरों में? चलो, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोगों की चल रही है ना? कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 5 मिनट देते हैं आप लोगों को। कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो, आई एम श्योर घर पढ़ा होगा। मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जो डेली आते हैं क्लास में, आई एम श्योर उन पर मुझे इतना यकीन है कि उन्होंने पढ़ा होगा। क्या हुआ भाई, नींद नहीं खुली क्या? गुड मॉर्निंग। चलिए, खैर आ जाओगे थोड़ी टाइम में लाइन पर। अभी तक तो ठंड में रिजाइन नहीं होंगे सारे। चलिए खैर, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग वेक्टर फॉर हायर प्लांट्स। हायर प्लांट के लिए क्लोनिंग वेक्टर सबको पता है, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुकी हूं। कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेशियंस और एक है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजील्स। ठीक है, ये दो क्या है आपके? ये आपके दो बैक्टीरिया हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में जो प्लाज्मिड होता है उसको क्या कहते हैं? यू नो दैट, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इसको कहते हैं हम टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन में जो प्लाज्मिड होता है उसको क्या कहते हैं हम? टी आई प्लाज्मिड। और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स में जो प्लाज्मिड होता है उसको कहते हैं आर आई प्लाज्मिड। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो कौन सा होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आर आई प्लाज्मिड यूज नहीं किया जाता, इसको भी यूज किया जाता है। बट मोस्ट जो पहली स्टडी की गई थी, मैं ये बोल दूं, या जो बहुत इजीली करा जा चुका है आर्टिकुलेट उसको, वो कौन सा प्लाज्मिड है आपका? टी आई प्लाज्मिड। क्लियर? अच्छा, एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेशियन इसकी बात करें तो एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेशियन एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और कैसा बैक्टीरिया है ये? इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है ये? इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? ये डाइकॉट प्लांट्स में, कौन से प्लांट में? मेनली डाइकॉट प्लांट्स में। कौन सी डिजीज करता है ये? क्राउन गोल्ड डिजीज। ऐसा नहीं मैं बिल्कुल बोलूंगी कि केवल डाइकॉट्स में ही करता है, मोनोकॉट्स में भी करता है। ठीक है, लेकिन मेनली डाइकॉट्स में करता है। और कौन सी डिजीज करता है? क्राउन गोल्ड डिजीज करता है। बेसिकली बैक्टीरिया करता कैसे है, जिस भी जगह से कोई वुंड निकल जाता है, जहां भी मतलब प्लांट में कोई कट लगना, ठीक है, कुछ भी लगना, दैट इज अ वुंड। तो जो कट लगता है, कोई निक लगता है, कोई घाव हो गया, कुछ भी हो गया, वहां से बैक्टीरिया क्या करता है? प्लांट के अंदर एंटर करता है। और एंटर करने के बाद ये क्या करता है वहां पर? कैंकरस ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? कैंकरस ग्रोथ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैंकरस ग्रोथ? कैंकरस ग्रोथ होता है कि एक बेल लिमिट, ठीक है, एक बेल लिमिट ग्रोथ होना। जैसे कि हम लोगों के अंदर होती है कैंसर की ग्रोथ। कैंसर की ग्रोथ क्या है? व्हाट इज द कैंसर? कैंसर यही तो है जब सेल्स कैसी कंडीशन में आ जाती है? मेरिस्टमेटिक कंडीशन में आ जाती है, यानी कि बेल लिमिट जब ग्रोथ करने लगती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? कैंकरस। तो वही इसमें होता है कि कैंकरस ग्रोथ या कैंकरस प्रोलिफरेशन, और कहां पर? एट द क्राउन ऑफ द प्लांट। व्हाट इज द क्राउन ऑफ द प्लांट? दैट इज अ कॉर्टेक्स। ठीक है ना, प्लांट के कॉर्टेक्स में क्या होता है? बेल लिमिट डिवीजन होते हैं, कैंकरस ग्रोथ उसी को कहते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए, एक सेकंड, में कुछ देख रही थी। ठीक,
अच्छा, जो ये कैंकरस ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, हमने कहा कि कैंकरस ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, किसकी वजह से है, टीआई प्लाज्मिड की जगह। अच्छा, इसके जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन जो ये बैक्टीरिया है, इसको इंजीनियर कहा जाता है। इंजीनियर्स जो हमारे अंदर इंजीनियर्स होते हैं वो नहीं, बेसिकली दे आर द इंजीनियर्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे गेट इंसर्ट देयर डीएनए इटसेल्फ टू द प्लांट, इटसेल्फ टू द क्रोमोसोम ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो डीएनए है या प्लांट का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ये खुद अपना जो वायरुलेंस पार्ट है टीआई प्लाज्मिड का, वायरुलेंस पार्ट जो होता है टीडीएनए, टीडीएनए इज द वायरुलेंस पार्ट ऑफ द टीआई प्लाज्मिड, उसको खुद ये क्या करते हैं, प्लांट का जो क्रोमोसोम है या प्लांट का जो डीएनए है उसके अंदर क्या करते हैं, ये इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इंजीनियर्स। इनको क्या बोला जाता है, इंजीनियर्स भी इनको कहा जाता है। ओके, क्लियर, गुड आउट। अच्छा, एक चीज और, जो टीआई प्लाज्मिड होता है, ये जो टीआई प्लाज्मिड हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है, इट इज अ वेरी लार्ज इन साइज, इट इज अ लार्ज इन साइज, टीआई प्लाज्मिड इज लार्ज इन साइज। और कितना ज्यादा बड़ा होता है ये टीआई प्लाज्मिड, ये टीआई प्लाज्मिड बड़ा होता है मोर देन 200 किलो बेस पेयर्स, ठीक है, कितना बड़ा होता है ये, मोर देन 200 किलो बेस पेयर्स भी ज्यादा ये होता है। और इसका जो इन्फेक्शियस पार्ट है, जो हम कह रहे हैं इन्फेक्शियस पार्ट, तो इसका जो इन्फेक्शियस पार्ट है वो जो टीडीएनए है वो 15 से 30 किलो बेस पेयर या 15 से 30-20 किलो बेस पेयर्स का होता है टीडीएनए। इसका जो इन्फेक्शियस पार्ट है, अगर मैं यहाँ लिखूं तो इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द टीआई प्लाज्मिड, इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड का जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वो क्या होता है, टीडीएनए होता है, एंड टीडीएनए इज 15 to 30 किलो बेस पेयर इन साइज, ठीक है। टीडीएनए कैसा होता है, 15 to 30 किलो बेस पेयर होता है साइज में। ओके, तो इसका मतलब है खुद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, खुद बैक्टीरिया अपना जो प्लाज्मिड का जो इन्फेक्शियस पार्ट है, जो वायरुलेंस पार्ट है, उसको खुद प्लांट के क्रोमोसोम में क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है। तो दिस इज द वेरी हाई कैपेबिलिटी, या मैं ये कह सकती हूँ एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज हमें क्या करना होता है, जब हम कोई भी वेक्टर हम जब बनाते हैं, जब हम कोई वेक्टर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें वो इंसर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें केवल टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए पर अपना, जहां पर टीडीएनए है जो उसका वायरुलेंस पार्ट है, वहां पर अपना इंसर्ट कराना है कोई जी, और वो खुद ब खुद क्या करेगा, प्लांट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो दे आर द बेस्ट इंजीनियर, हमको कह सकते हैं इनको टीआई प्लाज्मिड को या एग्रोबैक्टेरियम की, एग्रोबैक्टेरियम डेफिशियन सॉरी ट्यूमिफेशियंस को, ठीक है। अच्छा, टीडीएनए होता है, इट इज हाईली रेजिस्टेंट, ये बहुत रेजिस्टेंट होता है, एंड इट कैन पास टू द नंबर ऑफ द सेल्स, इट कैन पास टू द नंबर ऑफ द सेल्स, या मैं कह सकती हूँ इट इज पास टू द नंबर ऑफ द डॉटर जनरेशन, जो डॉटर सेल्स बनती हैं, नंबर ऑफ द जनरेशन तक ये क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं इट इज अ स्टेबल, इट इज अ स्टेबल डीएनए, कौन किसकी बात कर रहे हैं, इट्स है यहाँ पर टीडीएनए, आप टीडीएनए भी लिख सकते हैं, टीडीएनए इज अ स्टेबल डीएनए विच कैन पास टू द नंबर ऑफ जनरेशन। तो इसकी कई कॉपीज या कई क्लोन्स इसके बन सकते हैं, इट कैन पास टू द नंबर ऑफ जनरेशन। क्लियर, ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, जो टीडीएनए होता है, हम ये जो कह रहे हैं जो टीडीएनए है, मैंने आपके पास पहले भी बताई है कि ये क्या होता है, एक अनयूजुअल कंपाउंड बनाता है। वैसे अगर देखा जाए तो वो जो अनयूजुअल कंपाउंड हम कह रहे हैं कि अनयूजुअल कंपाउंड बनाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ हॉर्मोन की।
ठीक है, जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों मौजूद हैं और वो वहां पर क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको हमें मतलब हमने जब उस अनयूजुअल कंपाउंड को स्टडी किया है देन वी कॉल्ड इट कि उसके अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन थे, लेकिन जो अनयूजुअल कंपाउंड है उसका जो नाम है वो क्या नाम है उसका, ओपाइंस। क्या नाम है बच्चों उसका, ओपाइंस। क्लियर? तो जो टी डी एन ए होता है, आगे इसके करते जाइएगा, जो टी डी एन ए होता है इट कंटेन्स द 8 जीन्स। टी डी एन ए में कितनी जीन्स होती हैं, 8 जीन्स होती हैं, ठीक है, और ये 8 जीन्स जो होती हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन इन द प्लांट सेल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसरस ग्रोथ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसरस ग्रोथ। कौन सी, आपकी जो टी डी एन ए की जो जीन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसरस ग्रोथ एंड दे रिलीज, और ये क्या करती हैं, एंड दे रिलीज अनयूजुअल कंपाउंड, दे रिलीज अनयूजुअल कंपाउंड जिसे क्या बोला जाता है, कॉल्ड ओपाइंस, जिन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, ओपाइंस। क्लियर दिख रहा है ना, किसी को कोई डाउट बच्चों? यस और नो? चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी है, इसकी मैं ये कह सकती हूँ टी डी एन ए की। आगे देखिएगा, तो टीआई प्लाज्मिड है, हमने कहा टीआई प्लाज्मिड इज अ नेचुरल इंजीनियर, टीआई प्लाज्मिड इज अ नेचुरल इंजीनियर। तो हमको केवल क्या करना होता है, टू इंसर्ट द न्यू जीन, हमें क्या करना पड़ता है, बिकॉज टीआई प्लाज्मिड इज अ नेचुरल इंजीनियर, सो वी कैन ओनली so we can only insert the new gene or we called it required gene or we called it gene of interest, theek hai। So TI plasmid is a natural engineer, so we can only insert the new gene, required gene or gene of interest इन द कहां पर, टी डी एन ए, इन द टी डी एन ए पार्ट और टी डी एन ए पोर्शन जो है उसके अंदर हमें केवल ये इंसर्ट करना होता है जीन ऑफ इंसर्ट, सो वी कैन ओनली इंसर्ट द न्यू जीन, रिक्वायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द टी डी एन ए, ठीक है, विच कैन बी इंटीग्रेटेड, which can be integrated into the, which can be integrated into the plant chromosomal DNA, जो कि plant के chromosomal DNA में क्या हो जाएगा, automatically क्या हो जाएगा, insert हो जाएगा। Clear बच्चों? ठीक है, अब देखिएगा जो ये जीन है भाई, अब हमारा मेन मोटो क्या है,
हमें अब जीन को प्लांट के अंदर तो इंसर्ट नहीं करना है, अब हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें जीन को टीडीएनए में इंसर्ट करना है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है, बाकी का काम बैक्टीरिया खुद कर लेगा। तो उसके लिए भी दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम जीन न्यू डीएनए को टीआर प्लाज्मिड में इंसर्ट कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट? यस और नो? सो रहे हो क्या? दो अलग मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो जीन है उसको टीआई प्लाज्मिड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो टू डिफरेंट थ्योरीज और प्रॉपर्टीज, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेटजीज, टू डिफरेंट थ्योरीज और स्ट्रेटजीज टू इंसर्ट द डिजायर्ड जीन, टू इंसर्ट द डिजायर्ड जीन इनटू द टीआई प्लाज्मिड। कौन कौन सा? एक तो है आपका बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी, स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक तो क्या है आपकी बाइनरी वेक्टर स्ट्रैटेजी, और दूसरी है को इंटीग्रेशन। एक क्या है आपकी बाइनरी वेक्टर स्ट्रैटेजी और एक क्या है आपकी को इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्लियर। दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी बाइनरी वेक्टर स्ट्रैटेजी और एक क्या है आपकी को इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। दोनों के अलग अलग क्या काम है तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी वेक्टर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? बेसिकली इसके अंदर हमें कोई भी ऐसा कोई काम खास नहीं करना होता है। इसके अंदर हम दो अलग अलग प्लाज्मिड इसके अंदर हम यूज करते हैं। इसके अंदर हम दो अलग अलग पार्ट यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज यहां मैं बताना आपको, पहले भूल गई। आप देखिएगा, देखो ये मैं पहले बात कर रही हूं आपसे टीआई प्लाज्मिड की। देखिए, दरअसल क्या बात है बच्चों, यहाँ पर ये टीआई प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड में मेनली तीन रीजन होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द टीडीएनए इनटू द प्लांट क्रोमोसोमल डीएनए। कौन सा? एक तो खुद टीडीएनए, एक विर रीजन विच इज अ वायरुलेंस रीजन, एंड तीसरा है आपका होस्ट स्पेसिफिक रीजन। बेसिकली द विर रीजन, द वायरुलेंस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द टीडीएनए। टीडीएनए के टीडीएनए के प्लांट के अंदर या प्लांट के क्रोमोसोम के अंदर जाने के लिए जो रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है वो रीजन है आपका विर रीजन या वायरुलेंस रीजन। तीन चार चीजें जो इस टीएनए टीआई प्लाज्मिड के बारे में
हमें जाननी है, इसको इसमें मत लिखना, आप कहीं भी नोट डाल के नोट कर लीजिए। टीआई प्लाज्मिड में पहली चीज तो ये होती है कि विर रीजन और द वायरुलेंस रीजन, वायरुलेंस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो टीडीएनए, सॉरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए, दूसरी चीज क्या है जो टीडीएनए वाला पोर्शन है बच्चों, द टीडीएनए कंटेन्स, द टीडीएनए कंटेन्स यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स, टीडीएनए कंटेन्स यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, टीडीएनए के पास अपनी खुद की एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर सो दैट इट कैन मैनिपुलेटेड इजीली। बात समझ में आई आपको ये? दरअसल क्या बात है बच्चों कि पहली चीज तो ये कि जो ये विर रीजन है या जो ये वायरुलेंस रीजन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस टीडीएनए के प्लांट के क्रोमोसोम के अंदर जाने के लिए, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि जो टीडीएनए है इसके पास खुद के पास यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब ये है कि इसको जो जो एंडोन्यूक्लियस होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, उससे इसे आसानी से काटा जा सकता है बिना किसी और चीज को कट किए। यानी कि टीआई प्लाज्मिड में कहीं और कट लगाए बिना या कहीं और निक लगाए बिना डायरेक्ट टीडीएनए को काटा जा सकता है, और टीडीएनए को काटकर वहां पर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? दो चीज तो ये। तीसरी चीज इसका जो होस्ट स्पेसिफिक रीजन है, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो होस्ट स्पेसिफिक जो पार्ट है इसका, होस्ट स्पेसिफिक जो जीन्स होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द होस्ट, कि पर्टिकुलर होस्ट स्पेसिफिक होता है। आप चाहें तो आप इसको ये चीज यहां लिख सकते हैं। तीसरा कि टीआई प्लाज्मिड इज होस्ट स्पेसिफिक। टीआई प्लाज्मिड कैसा होता है? ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। क्लियर? तो ये टीआई प्लाज्मिड में मौजूद इसके तीनों रीजंस का काम है कि इसके तीनों रीजंस क्या क्या काम करते हैं। आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये तो बात हो गई टीआई प्लाज्मिड की। अब अगर मैं बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी की बात करूं तो बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी क्या कहता है? बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी कहती है बाइनरी यानी कि नंबर में दो और वेक्टर यानी कि दो अलग वेक्टर। तो इट बेसिकली स्टेट्स दैट कि हमें क्या करना है, दो अलग अलग प्लाज्मिड, यानी कि एक प्लाज्मिड जिसके पास केवल क्या है, टीडीएनए है, ठीक है, एक प्लाज्मिड जिसके पास क्या है, केवल टीडीएनए है, और दूसरा प्लाज्मिड जिसके पास क्या है, विर रीजन है और आपका क्या है, होस्ट स्पेसिफिक रीजन है। तो इनका कहने का मतलब है ये कि टीडीएनए जो है, टीडीएनए वाला पोर्शन है, इस टीडीएनए वाले पोर्शन में हमने हमारा मॉलिक्यूल इंसर्ट किया है अलग से। ये जो प्लाज्मिड आप देख रहे हैं, दो प्लाज्मिड हैं, इसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इट कैन बी मैनिपुलेटेड इजीली, इसको हम रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस से आसानी से काट सकते हैं, तो हमें पूरे उसको टीआई प्लाज्मिड को छेड़ने की जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन हमें टीआई प्लाज्मिड की जरूरत जरूर है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, विर रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन एंड द टीडीएनए, ठीक है, विर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल। तो हमें इसकी जरूरत जरूर है, लेकिन हमें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें केवल क्या करना है, हमने टीडीएनए को अलग से हमने ले लिया है, उसमें हम आसानी से हम उसको मैनिपुलेट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इट सेज द बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी कि हमें इसमें दो अलग वेक्टर्स यूज करने की जरूरत पड़ती है। आगे बात समझ में? बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी में कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। यार कोई गुड मॉर्निंग नहीं, यस और नो नहीं, क्या सो रहे हो तुम? वो भी क्लास में मैं किसको पढ़ा रही हूं?
वेयर आर यू गाइस? क्या बात है, नो आंसर, बंद कर दे क्लास फिर, नहीं पढ़ना है तो। भारती, छवि, हर्ष, ज्योति, लक्ष्मी, निकिता, कहाँ हो, सो रहे हो? हर्ष, इट्स नॉट अबाउट यू, रेज योर हैंड, ठीक है? यू कैन गाइस चैट, यू कैन गाइस कमेंट, ओके? सो इट्स नॉट अबाउट कि रेज योर हैंड एंड जस्ट टेल मी दैट मैम वी आर प्रेजेंट, इट्स नॉट, आई एम नॉट टेकिंग योर प्रेजेंट हियर, अटेंडेंस हियर, आई एम जस्ट आस्किंग यू, डू यू हैव एनी डाउट और नॉट, इफ हैड देन आस्क मी, नो इट्स ओके, यू डोंट वॉन्ट टू कमेंट एनी थिंग, सो आई विल जस्ट टेक इट आउट कि आपको सब समझ आ रहा है। चलिए, ये बात है आपकी बाइनरी स्ट्रैटेजी की। नेक्स्ट है आपका द को इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी को इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। व्हाट इज अ को इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी? को इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी होती है कि जब कोइंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी क्या है? कोइंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी होती है कि जब आपको जो आपका टीआई प्लाज्मिड है, बेसिकली इसमें हमें हमारा जो हमारा टीडीएनए वो अलग से नहीं है, टीडीएनए हमारा टीआई प्लाज्मिड में ही मौजूद है, लेकिन हमको क्या करना है, हमें जो जीन है उसको उस टीडीएनए में इंसर्ट करना है। क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमें एक प्लाज्मिड की जरूरत होती है। देखेगा, को इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी में क्या है, एक तो हमारा टीआई प्लाज्मिड है जो नॉर्मल है, नॉट द कि हमने टीडीएनए नहीं डाला है इसमें या जो भी है, एक तो हमारा अलग है जिसमें हमारा क्या है, एक टीआई प्लाज्मिड है, टीडीएनए विर रीजन और पोस्ट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, टीआई प्लाज्मिड की। अब हमें क्या करना है, अपना एक नया जीन हमारा, क्योंकि हमारा वही काम है, हमारा वही मोटो है कि हमें टीडीएनए में इंसर्ट करना है, तो वी नीड अ न्यू प्लाज्मिड, वी नीड अ न्यू प्लाज्मिड विच इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द इकोलाई। जो हमने इकोलाई का प्लाज्मिड पढ़ा है, जो इकोलाई की थ्योरी पढ़ी है, वो उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन इकोलाई वेक्टर, इकोलाई के वेक्टर पे बेस्ड होता है। ठीक, इसके पास क्या है, इसके पास है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसके पास क्या है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, ये हमें, ये जीन जो है हमें अपना इसके अंदर डालना है। अब बेसिकली होता क्या है बच्चों, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे इकोलाई पे मौजूद है, हमें सिर्फ इसमें इतना करना होता है कि जो हमारा न्यू प्लाज्मिड है इट शुड बी स्मॉल होमोलोगी, या इट शोज द स्मॉल होमोलोगी टू द टीआई प्लाज्मिड। देखिएगा कैसे, जो टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए है उससे होना चाहिए, टीआई प्लाज्मिड के किसी भी रीजन से होना चाहिए। बेसिकली हम मान के चल रहे हैं कि जो टीडीएनए वाला पोर्शन है, मान लो इसमें ए ए ए यू ए जी, जस्ट इग्नोर कि मैं क्या लिख रही हूँ, केवल एक समझाने के लिए लिख रही हूँ, या फिर इसको छोड़ो, मैंने एक लिख दिया राम और मैडम, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, किसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपके, टीडीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इनमें से थोड़ा सा पोर्शन यहाँ होना चाहिए, मान लो जो जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें
या अलग से होमोलोगी शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एडम की होमोलोगी। किसकी होमोलोगी शो कर रहा है? एडम की होमोलोगी शो कर रहा है। ये क्यों होती है? इफ यू रिमेम्बर दैट कि हमने जो रिकॉम्बिनेशन या जीन क्रॉसिंग ओवर हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था, क्या जीन क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा था या रिकॉम्बिनेशन हमने जो पढ़ा है अपना मीयोसिस सेकंड में आप लोगों ने पढ़ा है, तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि दो नॉन होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, बट द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, बात करी थी हमने। तो हमने होमोलोगस क्यों कहा था? हमने कहा था होमोलोगस होते हैं जिसकी वजह से दे कैन क्रॉस ओवर ईच अदर। तो वही चीज हमें यहाँ करनी है। बेसिकली ये जो नया हमने आ रहा प्लाज्मिड है, इट शोज द होमोलोगी विद द टी आई प्लाज्मिड, सो दैट व्हेन वी इंटीग्रेट, या जब हम इन दोनों प्लाज्मिड को, कौन सा प्लाज्मिड, आपका जो नया प्लाज्मिड है उसको और आपका जो टी आई प्लाज्मिड है उसको, दोनों को जब आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में डालते हैं, दोनों को आप सेम बैक्टीरिया में डालते हैं, तो ड्यू टू होमोलोगी उनके बीच में क्या पॉसिबल हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाता है या उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां इंसर्ट हो जाती है? आपकी टी डीएनए पर इंसर्ट हो जाती है। मैसेज आए, पढ़ रहे थे क्योंकि चार डिसेबल था तब से, नहीं आया था। ओके क्लियर। और भी कोई है कमेंट? ओके ठीक है, चलिए चलो पहले एक बार रिज्वाइन कर लो क्लास को, फिर बात करते हैं, ठीक है? दोनों की बात कर लेंगे, को इंटीग्रेशन और